दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट ट्रांजिटिव ट्रस्ट के बारे में। देखिए जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग ने एक इक्वेशन पढ़ी थी ना, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, ये सेम कंसेप्ट लगता है ट्रांजिटिव ट्रस्ट में। यहाँ पे अगर ए ट्रस्ट करता है बी को और बी ट्रस्ट करता है सी को, दैट मीन्स ए इनहेरिट करता है ट्रस्ट सी का थ्रू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए, राइट। ट्रांजिटिव ट्रस्ट एक सीरियस कंसर्न होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? बिकॉज ये बाईपास कर सकता है किसी भी लिमिटेशंस को, किसी भी रिस्ट्रिक्शंस को। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल मीडिया वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ है, वहां पे लिमिटेशंस है, राइट। सो यहाँ पे एक वर्कर है मान लीजिए ए, ए के पास सोशल मीडिया वेबसाइट सी का एक्सेस नहीं है, बट ए के पास एक्सेस है बी का, और बी क्या है, बी है मान लीजिए आपका वीपीएन सर्विस या सम वेब प्रॉक्सीज और सम एनोनिमस सर्विस, राइट। सो ए के पास एक्सेस है बी का, और यूजिंग दैट वीपीएन, यूजिंग दैट बी सर्विस, ही कैन ओपन एनी सोशल मीडिया वेबसाइट विच इज सी, ठीक। तो मतलब ए वर्कर कैन सी एनी सोशल मीडिया पोर्टल, मीन्स वो बाईपास कर रहा है, वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो लिमिटेशंस थी, उसको बाईपास कर ले रहा है। सो इन अनदर वर्ड, ए कैन एक्सेस वीपीएन सर्विस बी, एंड देन वीपीएन सर्विस कैन एक्सेस द ब्लॉक्ड इंटरनेट सर्विसेज विच इज सी। दैट मींस ए इज एबल टू एक्सेस सी थ्रू बी वाया ट्रांजिटिव ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो ये था ट्रांजिटिव ट्रस्ट कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।